नमस्कार दोस्तों, मैं इंशुल, मैं आप सभी का अपने चैनल टेक एंड टारगेट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सभी को बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज का अपडेट देने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों अब मैं आप सभी को अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और इन जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में इन डिटेल बताता हूँ। तो दोस्तों जो पहली जॉब अपॉर्चुनिटी पोस्ट की गई है दोस्तों, वो पोस्ट की गई है एसेंचर की तरफ से। हाँ दोस्तों, एसेंचर ने एक बार फिर से अपनी हायरिंग स्टार्ट कर दिए। तो दोस्तों यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, मैं इस फॉर्म का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। यहाँ सिंपली आपको आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आप दोस्तों ये वाले टैब पर आ जाओगे। दोस्तों जो इस पर हायरिंग हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल के लिए हायरिंग होने वाली है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो दोस्तों अगर मैं इस रोल की बात करता हूँ तो दोस्तों इस रोल में जो एसेंचर पैकेज देता है वो है दोस्तों 4.5 एलपीए, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा पैकेज है। तो दोस्तों फॉर्म भरते समय हर एक चीज ध्यान से फिलअप करिएगा, जैसा कि हाउ डिड यू फाइंड अबाउट दिस जॉब, जॉब बोर्ड दोस्तों आप सेलेक्ट कर सकते हो कौन से जॉब बोर्ड से आपको पता चला। तो बाकी बात करते हैं पर्सनल डिटेल्स, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, यूनिवर्सिटी, रजिस्ट्रेशन नंबर दोस्तों आप फिल कर सकते हो, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप कंसेंट की अगर आपको कोई भी नोटिफिकेशन अगर आपको अपने व्हाट्सएप पर चाहिए तो दोस्तों आप यस पर क्लिक कर सकते हो। बाकी बात करते हैं ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। अब बात करते हैं दोस्तों अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट। तो दोस्तों अंडर ग्रेजुएट में बीई बीटेक के कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको दिखा सकता हूं अगर हम यहां पोस्ट ग्रेजुएट सेलेक्ट करते तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एमसीए के कैंडिडेट सेलेक्ट, एमसीए के कैंडिडेट्स एलिजिबल होने वाले थे। बात करते हैं ब्रांच की, तो दोस्तों ब्रांच अपने आप सेलेक्ट कर सकते हो क्योंकि यहां सारी ब्रांचेस एलिजिबल होती है। ईयर ऑफ पासिंग में दोस्तों 2019 एंड 2020 बैच एलिजिबल होने वाले। तो दोस्तों यहां आपको अपनी क्या सीजीपीए है या फिर क्या परसेंटेज है वो मेंशन करनी है। बाकी प्रोफेशनल डिटेल्स आप मेंशन कर सकते हो, स्किल्स, प्राइमरी स्किल, व्हाट हैव यू यूज्ड द प्राइमरी स्किल, वेयर यू हैव यूज्ड द प्राइमरी स्किल, जो भी आपने प्राइमरी स्किल सीखी हुई है उसको आपने यूज कहां किया है। सपोज करिए अगर आपको आज की डेट में पाइथन आती है और उस पाइथन को आपने अप्लाई कहां किया है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मेक श्योर अगर आपने पाइथन से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट कुछ भी कर रखा है, प्रोजेक्ट कर रखा है या फिर इंटर्नशिप कर रखी है, उसको भी जरूर मेंशन करिएगा। सेकेंडरी स्किल, वेयर हैव यू यूज्ड अ सेकेंडरी स्किल। तो दोस्तों ऐसा करके आपको अपना पूरा फॉर्म फिल कर देना है और सबसे मेन बात यार रिज्यूमे और पासपोर्ट साइज फोटो ढंग से अटैच कीजिएगा, क्योंकि काफी ज्यादा सीरियस इश्यू हो जाता है लास्ट में आपको देखने को मिलता है। अगर आप अपने सीनियर से पूछोगे उनसे बोला जाता है बार बार कि अपनी पासपोर्ट साइज फोटो अच्छे से अपलोड कीजिए, तो मेक श्योर आप पहली बार में ही अपनी पासपोर्ट साइज फोटो अच्छे से फिलअप कर दीजिएगा। बाकी यार ये सारी चीजों पर आपको एग्री यस नो आपको फिलअप करना है और सबमिट बटन पर क्लिक करके दोस्तों आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूँ, थाउजेंड से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ आपको पैकेज जो है वो दोस्तों आपको 10-15 एलपीए तक का मिल सकता है। हाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ री लेवल प्लेटफॉर्म की, और दोस्तों री लेवल प्लेटफॉर्म है अन अकेडमी का। दोस्तों मैंने ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म के बारे में ऑलरेडी आपको बहुत बार बता चुका हूँ और दोस्तों काफी स्टूडेंट्स हैं इसमें अप्लाई कर लिया और काफी लोगों का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि सर इसके रजिस्ट्रेशन क्लोज तो नहीं हो गए, हमें दोबारा से अप्लाई करना है। एंड कुछ लोगों का ये भी डाउट था कि सर अगर हम अभी रजिस्टर कर रहे हैं तो हमें टाइम कब मिलने वाला है, टाइम कब मिलेगा, कैसे हमें तैयारी करनी है। तो आज मैं आपको हर एक चीज बताने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको स्लॉट्स बताने वाला हूँ, इनके स्लॉट्स ओपन हो गए हैं, आप स्लॉट सेलेक्ट कर सकते हो, स्लॉट सेलेक्ट कर सकते हो और इनका टेस्ट दे सकते हो। और दोस्तों जो टेस्ट है वो 24 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहला कि मैंने आपको बता ही दिया, तो दोस्तों यहाँ जो टेस्ट है वो तीन डोमेन्स में है। एक है दोस्तों बिजनेस डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट, और दोस्तों तीनों की तीनों टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा डिमांडिंग है। बात करते हैं दोस्तों क्या क्या जॉब्स हैं। तो दोस्तों बिजनेस डेवलपमेंट में बात करता हूं तो दोस्तों 500 से ज्यादा जॉब्स हैं। बैक एंड डेवलपमेंट की बात करता हूं तो दोस्तों 350 से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, और दोस्तों फ्रंट एंड की बात करता हूं तो 150 प्लस जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिल रही है। बात करते हैं दोस्तों बिजनेस डेवलपमेंट की, मैंने तीनों में से एक डोमेन ले लिया है। तो दोस्तों यहाँ आपको बहुत सारी कंपनीज हायरिंग करने वाली है। सबसे पहली बात, गेट इंटरव्यू रिक्वेस्ट, अ गुड स्कोर ऑन द री लेवल टेस्ट विल गेट यू डायरेक्ट इंटरव्यू फ्रॉम आर पार्टनर कंपनीज। दोस्तों यहाँ पे एक टेस्ट होगा, वहां पर एक अच्छा स्कोर लाना है, फिर दोस्तों कंपनीज आपको डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करने वाली है इंटरव्यू के लिए। साथ ही साथ दोस्तों 100% ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है, कंपीट इन योर ओन टाइम, यू गेट अ चांस टू शोकेस योर स्किल्स एंड स्ट्रेंथ टू द रिक्रूटर्स ऑफ टॉप कंपनीज, ग्रैब योर री लेवल प्रोफाइल, यू गेट योर फीडबैक व्हेन यू पास ऑल द टेस्ट केसेस राउंड
एंड गेट अ जॉब ऑन डी लेवल। दोस्तों अगर आप इनके प्लेटफॉर्म से सेलेक्ट हो जाते हो तो दोस्तों जो भी आप फी पे करो पूरा का पूरा रिफंड होने वाला है, साथ ही साथ दोस्तों री लेवल आपको हेल्प करने वाला है आपकी प्रोफाइल क्रिएट करने में। जैसा कि मैंने एक एग्जांपल लिया है राहुल भारद्वाज का, दोस्तों ही इज फ्रॉम गुड़गांव, दोस्तों इनकी जो री लेवल स्कोर है वो 878 है। बाकी आप इनका अगर प्रोफाइल देखोगे काफी अच्छे से मेंटेन है और सब कुछ इसको क्रिएट करने में री लेवल प्लेटफॉर्म इनकी बहुत अच्छे से हेल्प करने वाला है। तो इस चीज का दोस्तों जरूर ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों इसमें एलिजिबल कौन कौन है, Anyone who is 18 years or above दोस्तों उसके लिए eligible होने वाला है। Anyone with 0 से 203 साल तक का experience है, that is दोस्तों 2021-2019 इसके लिए eligible होने वाला है। बात करते हैं दोस्तों anyone who can join with this 30 days of the test, तो दोस्तों 30 days of the test में जो भी join कर सकता है वो भी इसके लिए eligible है। साथ ही साथ दोस्तों 0 से 3 साल के experience की बात करता हूँ, तो अगर आप 2017 batch के हो और अगर आपका experience 1 साल का है तो भी आप इसके लिए eligible हो। बात करते हैं सिलेबस क्या होगा, तो दोस्तों आप अपने सिलेबस से डाउनलोड कर सकते हो। इन लोगों ने हर एक चीज मेंशन कर रखी है कि आपको टेस्ट में क्या क्या चीजें आपसे पूछे जाने वाली है। दोस्तों मैं बात करता हूं कि अगर मैं ये बिजनेस डेवलपमेंट टेस्ट में ये कंपनी साइनिंग करी है, लाइक अर्बन कंपनी, अपग्रेड, क्यूआर, फिट, वेदांतु, लीड स्क्वायर, काफी कंपनीज दोस्तों हायर कर रही है। अगर मैं दोस्तों अर्बन कंपनी के बारे में देखता हूं, जो कि दोस्तों आज की डेट में बहुत ही ज्यादा अच्छी कंपनी है, 501 से 1000 एम्प्लॉयज तक दोस्तों इनके पास एम्प्लॉयज है। बाकी दोस्तों LPA, CTC है दोस्तों, आपको 3 से 6 लाख तक का आपको दोस्तों CTC मिल सकता है। बाकी दोस्तों मैं रिक्वायर्ड स्किल्स की बात करता हूँ सीधा, तो दोस्तों फील्ड सेल्स एक्सपीरियंस इज मस्ट। तो दोस्तों अगर आपके पास फील्ड सेल्स का एक्सपीरियंस है अच्छा खासा, तो दोस्तों आप इसके लिए जरूर अप्लाई करिए। मैं आपको बता दूं कैसे अप्लाई करना है। दोस्तों अप्लाई नाउ पर जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, यू नीड टू क्लियर द बिजनेस डेवलपमेंट टेस्ट टू अप्लाई फॉर दिस जॉब। ओके दोस्तों बुक नाउ पर हमें बुक अ स्लॉट, अपने स्लॉट्स ओपन करने हैं, स्लॉट्स बुक करने हैं। तो दोस्तों 15th of July से 24th of July तक स्लॉट्स ओपन है। आप कोई भी स्लॉट सेलेक्ट कर सकते हो। और दोस्तों यार रेगुलर अपडेट्स भी आ रहे हैं कि कौन कौन इसके लिए स्लॉट्स बुक कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो रुद्रनाथ जहा फ्रॉम उत्तर प्रदेश बुक अ स्लॉट 21 आर्स अगो। तो दोस्तों रेगुलर बेसिस पे हर कैंडिडेट इसके लिए अपने स्लॉट्स बुक कर रहा है। तो एक रिक्वेस्ट है आप भी जल्दी से स्लॉट बुक कर लिए। जैसे कि सपोज करिए मैं 17 जुलाई बुक करता हूं, तो दोस्तों यहां मेरा जो पेमेंट है वो 1999 आ रहा है। बट दोस्तों अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करते हो TET10, तो दोस्तों आपको 10% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूं, दोस्तों आपका फी आपको देना पड़ेगा 1799। दोस्तों हमारा कूपन कोड जरूर यूज कीजिए और साथ ही साथ दोस्तों इसमें जरूर अप्लाई करिए, क्योंकि यहाँ आपको 3 डोमेन पर मिल रहा है, बिजनेस डेवलपमेंट, बैकएंड डेवलपमेंट एज वेल एज फ्रंट एंड डेवलपमेंट। अगर आपका कोई दोस्त हो जिसको बैकएंड डेवलपमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट या फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जॉब चाहिए हो और उसकी परसेंटेज अच्छी ना हो, तो उसके साथ यार इसको जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि यार यहाँ कोई भी रिज्यूमे की रिक्वायरमेंट नहीं है, साथ ही साथ कोई भी परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपकी स्किल्स अच्छी है तो दोस्तों आपको जॉब बड़ी आसानी से मिल जाएगी। अब मैं दोस्तों आप सभी को लास्ट जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बता देता हूँ, जो कि पोस्ट की गई है एक्रेसेंट कंपनी की तरफ से। और दोस्तों ये पोस्ट की गई है 1st of July को। और दोस्तों यहाँ जो आपको प्रोफाइल मिल रही है वो है दोस्तों ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी फ्रेशर। लोकेशन की बात करता हूँ तो दोस्तों बैंगलोर आपको लोकेशन मिलेगी। बाकी दोस्तों आप इस कंपनी के बारे में पढ़ सकते हो। डायरेक्ट दोस्तों में की क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करता हूँ, बीई बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन डेटा साइंस इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं। दोस्तों अगर आपने अपनी बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन एंड डेटा साइंस में कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। एक्सपीरियंस 0 से 6 मंथ एक्सपीरियंस, दैट इज 2020 एंड 2021 बैच इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं। To be successful in the role, you must have strong programming skills in any one of these Python, Java, JavaScript. दोस्तों अगर आपको Python, Java, JavaScript, C++ में से कोई भी एक लैंग्वेज आती है तो इसके लिए जरूर अप्लाई करिए। साथ ही साथ दोस्तों ability to learn new topics, technologies, frameworks fast without formal trainings and hand holdings, ability to translate a given problem statement into a software as solution, solid understanding of SQL databases like MySQL, PostgreSQL etc. तो दोस्तों इन सब चीजों को आपको आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जितनी भी स्किल्स मेंशन करेंगे सब कुछ आता है। अगर दोस्तों इनमें से आपको 3-4 स्किल्स भी आती है तो इसके लिए जरूर अप्लाई करिए। पैकेज की बात करता हूं तो दोस्तों एक्रेसेंट में भी आपको 4.54 LPA तक का पैकेज मिल सकता है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 4.5 LPA तक का दोस्तों आपको यहां पैकेज मिल जाएगा। अप्लाई कैसे करना है दोस्तों, जैसे ही अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहां हम ये वाले टैब पर आ जाएंगे। यहां हमें पहले अपनी आईडी क्रिएट करनी होगी। अगर आपकी पहले से ही आईडी बनी हुई है एक्रेसेंट के पोर्टल पर तो आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर सकते हो। बाकी दोस्तों आपको अपना रिज्यूमे अपलोड करना है, कवर लेटर, एडिशनल इंफॉर्मेशन, प्रोफाइल इंफॉर्मेशन दोस्तों आपको
फिल अप कर देनी है अपनी एरिया ऑफ इंटरेस्ट, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, एजुकेशन, ट्रेनिंग, लैंग्वेज स्किल्स। दोस्तों ऐसा करके आपको हर एक इंफॉर्मेशन फिल कर अप्लाई बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहां आपको 4.5 एलपीए तक का पैकेज मिल रहा है। साथ ही साथ दोस्तों मैंने आपको री लेवल प्लेटफॉर्म के बारे में बताया दोस्तों, जहां दोस्तों आपको 10-15 एलपीए तक का पैकेज मिल सकता है। तो दोस्तों अगर ये अपॉर्चुनिटीज आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, जूनियर भाई बहनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं जल्दी मिलता हूँ अपनी नई वीडियो में अपने नए टेक अपडेट के साथ। जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।